गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम टू स्पोर्ट्स लवर, टू माय स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आपका भाई मोहम्मद अनवर सानी आपको तहे दिल से स्वागत करता है द वॉइस ऑफ ऑडियंस यूट्यूब चैनल पर। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई एंड इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी की तरफ से फाइनल शेड्यूल अनाउंसमेंट हो गया है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस, 4 टेस्ट मैचेस including one day-night test matches in Ahmedabad Motera Stadium, which is the largest stadium in the world, largest cricket stadium in the world, and aapka 3 one-day international matches honne wala hai. Matlab England India mein tour karne wale hai, ye confirm news आया है बीसीसीआई और ईसीबी की तरफ से। खुशी की बात, बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इंडिया में क्रिकेट शुरू होने वाला है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इतने लंबा टूर, इतने बड़ा टूर यार, 2 महीना, ऑलमोस्ट 2 महीना खेल चलेगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दोनों टीम का बीच। और बात यह है कि सबसे पहले यार द बॉयज ऑफ ऑडियंस यूट्यूब फैमिली की तरफ से तहत दिल से शुक्रगुजार हूँ दादा सौरभ गांगुली जी का और बीसीसीआई का जितने सारे मेंबर्स हैं कि ये हमने पहले सुना था कि इंडिया का बाहर होगा इतने बड़ा टूर, लेकिन आखिर में बीसीसीआई की तरफ से ये न्यूज़ आया कि इंडिया में ही होगा। तो द बॉयज ऑफ ऑडियंस यूट्यूब फैमिली की तरफ से फिर से एक बार दिल से शुक्रगुजार हूँ बीसीसीआई का। सो आप बात करते हैं सबसे पहला जो खेल होगा वो क्या होगा, टेस्ट ओडीआई या फिर टी20। सबसे पहला मैचेस शुरू होने वाला है टेस्ट से, 5 फरवरी से शुरू होगा फर्स्ट टेस्ट। सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो डे टेस्ट है, नाइट टेस्ट नहीं है। वो पहले 5 फरवरी से 9 फरवरी पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा आपका चेन्नई एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। दूसरा टेस्ट भी खेला जाएगा 13 फरवरी से 17 फरवरी वही एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। और सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि जो थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा जिस मैदान में हमारा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने के लिए हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिस क्रिकेट स्टेडियम का कैपेसिटी है 1,10,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम में हम हमारा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने के लिए इतना इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया, लेकिन अभी होने वाला है। थर्ड टेस्ट मैच जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वो उस स्टेडियम में होगा जिस स्टेडियम का नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, ऑल्सो नोन एज मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। सरदार पटेल गुजरात क्रिकेट स्टेडियम जिसको हम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद की नाम से जानते हैं, उस स्टेडियम में थर्ड टेस्ट मैच 24 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा और वो टेस्ट मैच पिंक बॉल का होगा, आपका डे नाइट मुकाबला होगा। तो हम बहुत एक्साइटेड है, अब ध्यान से सुन लीजिए, थर्ड टेस्ट मैच जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वो सरदार पटेल गुजरात क्रिकेट स्टेडियम जिसको आप कहते हो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, मैं भी कहता हूँ, उस स्टेडियम में खेला जाएगा, डे नाइट मैच होगा, 24 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। और फिर आखिरी टेस्ट मैच दैट इज़ 4th टेस्ट मैच 4th मार्च से 8th मार्च तक होगा वही अहमदाबाद स्टेडियम में, लेकिन ये डे नाइट मुकाबला नहीं, ये डे में होगा, 4th मार्च से 8th मार्च तक। 8th मार्च में आपका आखिरी टेस्ट मैच ख़त्म होगा और फिर टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद ओडीआई नहीं टी20 शुरू होने वाला है। टेस्ट ख़त्म होगा और 5 मैचेस का टी20 शुरू होगा जो 12th मार्च से शुरू होगा और 20th मार्च में 5 फाइनल टी20 इंटरनेशनल खेला जाएगा जो नंबर 5 T20 इंटरनेशनल है। 12th मार्च से शुरू होगा और 20th मार्च तक खेला जाएगा और फिर जो मैचेस खेला जाएगा सबका सब अहमदाबाद मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, सबका सब वही खेला जाएगा। 20 मार्च में आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच ख़त्म होगा और उस मैच ख़त्म होने के बाद 23rd मार्च से आपका वन डे इंटरनेशनल मैचेस शुरू होगा। 23rd मार्च से शुरू करके 28th मार्च तक 3 मुकाबला खेला जाएगा और जो खेला जाएगा वो स्टेडियम है पुणे, पुणे में है, महाराष्ट्र क्रिकेट एंड एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा पुणे में 23rd मार्च से लेकर 28th मार्च तक खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबला। और वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।